हेलो स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 mm, साइड लेंथ 1 mm जो डायमेंशन है बहुत छोटी है, इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। छोटी का मतलब एज कंपेयर टू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर पर रखा है और 1 mm एक साइड की डायमेंशन है। फ्रॉम द पोल एज शोन इन द फिगर, वन एज ऑफ द क्यूब इज पैरेलल टू द एक्सिस, एक एज जो है पैरेलल है एक्सिस के। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ये जो मिरर यूज है इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द इमेज। एक बात समझना बच्चे, पहले ये जो एक छोटा सा क्यूब था इसको मैंने यहां पर बड़ा करके बना दिया। पहले तो एक बात समझना, जो इसकी इमेज बनेगी वो क्यूब नहीं बनेगी, वो क्यूबॉइड बनेगी। लोकेशन कितनी होगी, डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, वो भी देख लेंगे, लेकिन समझना कि जो इमेज इस क्यूब की बनेगी वो क्यूब ना बनके क्यूबॉइड बनेगी। क्यों, इस बात को समझते बच्चे, समझना। अगर इस क्यूब को देखें तो ये दिख रही है साइड सीबी, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये एक्सिस जो है एक तो सेंटर से पास हो रही है, तो भले थोड़ा दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंड ऊपर है, ये एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रही है, 3D फिगर है। तो ये जो सीबी है ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल है। अगर इस लाइन एबी की बात भी करें, भाई वापिस से बात है 3D फिगर है, तो मतलब जितना पार्ट इसका लाइन के इस साइड है उतना ही पीछे भी साइड है, लेकिन ये ए बी जो है ये भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल। मतलब अगर मैं इस लाइन ए बी के लिए बात करूं, चाहे इस लाइन सी बी के लिए बात करूं, जो यू है कॉन्स्टेंट है। यू मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, चेंज नहीं हो रही, ए से बी जा रहे हो चाहे बी से सी जाओ, ये यू क्या है बच्चे, कांस्टेंट। और कैसा है बच्चे, ये ए बी लाइन भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये बी सी लाइन भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये ए बी लाइन दिख रही है, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेकिन जो थर्ड एज हो गई इस क्यूब के फॉर्मेशन के लिए, ये जो थर्ड लेंथ होगी एफ बी, ये दिख रहा है F से B की तरफ या B से F की तरफ जा रहे हैं, तो U चेंज हो रहा है, U चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे B पे जो U है और F पे जो U है, दोनों में अंतर है, और इनफैक्ट पूरे के पूरे 1 mm का अंतर है, तो इसके लिए U चेंज। मतलब समझना बच्चे, लाइन AB के लिए एंड लाइन BC के लिए अपन जिस मैग्निफिकेशन की बात करेंगे वो होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और जो लाइन एफ बी है उसके लिए जो अपन बच्चे बात करेंगे वो करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल। बात आ रही है समझ में कि लाइन ए बी और बी सी तो सिमिलर बिहेव कर रही हैं, लेकिन लाइन एफ बी का नेचर या लाइन बी एफ का नेचर अलग है। इसके लिए जो कैलकुलेशंस आएंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके लिए मैग्निफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों साइड एक जैसे हैं, ये अलग है, तो इसकी इमेज भी अलग बनेगी, इसलिए जो इमेज बनेगी वो प्रॉपर क्यूब नहीं बनेगा, एक क्यूब बनेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि डायमेंशन बहुत छोटी है एज कंपेयर टू 45 सेंटीमीटर, इज मच मच ग्रेटर देन 1 mm, तो इनिशियली मैं इसकी डायमेंशन को नेगलेक्ट करते हुए क्यूब को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। तो क्यूब अगर इस मिरर के सामने रखा है तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 45। माइनस कहां से आया, बाय साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, अगेन माइनस कहां से आया, साइन कन्वेंशन, जो क्लास में अच्छे तरीके से बताया गया। इतना क्लियर है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/u + 1/f, वैल्यू सॉल्व करेंगे,
इन दोनों वैल्यू से सॉल्व करके हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी प्लस का 90। v कितना आ गया बच्चे, प्लस का 90। इतना क्लियर है। अब अगर बच्चे मैं इस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए बात करूं, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो अपन बात करते हैं वो कितना आता है बच्चे, माइनस का v बाय u। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 90 अपॉन माइनस का 45 इज इक्वल्स टू प्लस का 2। मतलब इसकी जो इमेज बनेगी, ए बी की जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, उसकी जो लेंथ होगी वो 2 × 1 mm होगी। इतना क्लियर है। सिमिलरली बीसी के लिए भी वही सेम मैग्निफिकेशन काम आएगा। तो जो इसकी इमेज बनेगी बी डैश सी डैश, वो भी मैग्निफिकेशन इनटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था बच्चे, 1 mm। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, ये भी 2 mm आ गया और ये भी कितना आ गया बच्चों, 2 mm आ गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब साइड ये वाली देखते हैं, बी और एफ। यहां पे जब बात करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे अपन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की लेंथ चेंज होती है। या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या किसी को आइडिया नहीं है तो मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूं। जैसे आपने ये मिरर फॉर्मूला लिखा था, 1/f + 1/u = 1/f, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो माइनस का 1/v का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का 1/v² dv - 1/u² du, और f तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इतना क्लियर है। इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इस जो इंक है इसको हटाने वाला हूं। बस ये डेटा मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को दोबारा लिखना यूज करना पड़े। a डैश b डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 mm। खैर मैं इसको मिटा देता हूं अभी। तो हमने पाया था कि जो साइड बनी थी मिरर इसकी, उसकी जो लेंथ आई थी a डैश b डैश, उसकी वैल्यू आ गई थी 2 mm, और जो दूसरी साइड आई थी बी डैश सी डैश, उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई थी, 2 mm। अब जो इस क्यूब के लिए जो थर्ड साइड बच रही थी, जिसके लिए अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करने वाले थे, ये अपना ए, ये बी, ये सी और ये साइड एफ थी। तो इस साइड के लिए अगर जो अपन बात करने वाले थे बच्चे, इसके लिए यू चेंज हो रहा था, इसी के लिए अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए बात कर रहे वाले थे। तो मैंने यहां पे बताया था कि 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस का 1/v² dv, माइनस का इसका 1/u का डिफरेंशिएशन, माइनस का 1/u² du, और 1/f कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बच्चे dv इज इक्वल टू माइनस का v² / u² dv। माइनस वाई बात है कि डायरेक्शन बताता है एक तरीके से। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ dv बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, v² / u² dv। लेकिन ये कब वैलिड है, ओनली फॉर स्मॉल चेंज। अगर मैं 45 के कंपैरिजन में बात करूं तो 45 मच मच ग्रेटर देन 1 mm है। ये 45 सेंटीमीटर था जो कि मच मच ग्रेटर देन 1 mm है, तो हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो अगर u में b से f में जाने में 1 mm का चेंज आ रहा है, तो v इमेज में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, v² / u²। तो v कितना आया था बच्चे अपने पास, 90। U कितना आया था, 45। ये 90 है बच्चे, 40 by 45² dU कितना है, 1 mm। सॉल्व कर देंगे तो 2² = 4। तो यहां से बच्चे अपने पास dV की वैल्यू आ गई 4 mm। dV मतलब अगर B से F में गए इमेज साइड में 1 mm, तो ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट साइज में अगर 1 mm गए तो इमेज के लिए कितना चेंज आएगा, 4 mm। तो जो इसकी जो
इमेज बनेगी बी डैश एफ डैश, वो कितनी बन गई बच्चे 4 mm। हमसे वॉल्यूम ऑफ इमेज पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश इंटू बी डैश सी डैश इंटू बी डैश एफ डैश, तीनों साइड लेंथ इंटू वेथ इंटू हाइट कर देंगे क्यूबॉइड के लिए, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 4, दैट कम्स आउट टू बी 16 mm³। तो ये अपना फाइनल वॉल्यूम ऑफ इमेज। कंफर्टेबल है बच्चे, ये बात समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में कि ये ए बी और बी सी ये तो क्या है, ट्रांसवर्स है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बी एफ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए इसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए बात करेंगे और उसके लिए हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।